आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल कब आने वाला है आईसीसी और बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा आईपीएल में एक कमेंटेटर की किस्मत जागी, कमेंट्री से सीधा एक्शन में नजर आने वाले हैं, वो कौन सा खिलाड़ी है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा गुजरात टाइटन से एक प्लेयर बाहर हो चुका है, वो कौन सा प्लेयर है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं, सबसे पहले आपको बता दें तो गुजरात टाइटन से बाहर हो चुके हैं जॉश लिटल, उनके लेफ्ट हैंड तेज गेंदबाज थे, ये बाहर हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि नेशनल ड्यूटी के कारण इनकी और बांग्लादेश की सीरीज यानी आयरलैंड और बांग्लादेश की सीरीज है, जिसके चलते जो है अब जॉश लिटल को आधा आईपीएल छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल को लेकर अपडेट आई है। बीसीसीआई ने कहा है कि हम आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2023 का शेड्यूल है वो आईसीसी के साथ मिलकर एक प्लान कर रहे हैं, कि यानी एक ओपनिंग सेरेमनी कराई जाएगी, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल आएगा। यानी शेड्यूल के लिए सिर्फ इंडिया के अंदर है, आपको मालूम है कि कुछ डेट जो है वो आ चुकी है वर्ल्ड कप की, जैसे बड़े बड़े मैचेस हैं उनकी डेट जो है वो आ चुकी है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का बताया जा रहा है कि जी 8 अक्टूबर को तारीख रखी गई है, इसके अलावा भी कई कई मैचेस की जो है वो तारीख आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन शेड्यूल कंप्लीट नहीं आ रहा, तो लोग इस बारे में पूछ रहे थे। तो बहरहाल आईसीसी ने इसको क्लियर किया है, बीसीसीआई ने इसको क्लियर किया, उन्होंने कहा कि जैसे आईपीएल का फाइनल मैच खत्म होगा उसके बाद एक डेट फाइनल की जाएगी, जिस डेट को ओपनिंग सेरेमनी भी उसी डेट को रखी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें तो उसी दिन यानी ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन पहले तो होती थी वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी, अब होगी शेड्यूल की ओपनिंग सेरेमनी, जिस दिन शेड्यूल बीसीसीआई को रिलीज करना होगा उसी दिन आपको मालूम है कि वो आपकी जो ये ओपनिंग सेरेमनी है उस दिन ओपनिंग सेरेमनी भी रखी जाएगी। इसके अलावा केदार जाधव की किस्मत जागी, वो कमेंट्री करते हुए उनको कॉल आई है, और कॉल आई है आरसीबी के कोच की तरफ से। उन्होंने कहा कि आप क्या अपनी फिटनेस, उनकी फिटनेस के बारे में पूछा गया केदार जाधव की, तो उन्होंने कहा मैं रेडी टू प्ले हूं। तो बहरहाल अब केदार जाधव को आरसीबी ने तकरीबन कहा जा रहा है कि 50 लाख रुपए में खरीद लिया है।